एक्सरसाइज 9.1 क्लास 9th जो फिगर असें मिलल है। इनमें ब ट्राइंगल्स है, यो ट्राइंगल एबीडी, बो ट्राइंगल है सीबीई या बीईसी, ये ट्राइंगल थी बो ही ट्राइंगल थी। इन ट्राइंगल में असें गिविन चाहे कि एबी जी मेयरमेंट ए का बी पॉइंट जी मेयरमेंट बराबर है सी बी मेयरमेंट, यानी ही मेयरमेंट ही मेयरमेंट, यानी ही ब साइड्स जेके इन ट्राइंगल जो पाण में कॉन्ग्रुएंट है, ये निशानी कॉन्ग्रुएंट थी। बो एंगल ए, ही वाली एंगल, ही एंगल, इन एकड़ो निशान, एकड़ो निशान की माना ये है कि ही बई पाण में कॉन्ग्रुएंट है। प्रूफ छा करनो असांखे कि ही बई ट्राइंगल्स जेके ये पाण में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। तो ट्राइंगल्स ब पाण में कॉन्ग्रुएंट तदे हुंदा जदे उन जो ब एंगल्स एकड़ी साइड या ब साइड एकड़ी एंगल पाण में कॉन्ग्रुएंट हुजन, बराबर हुजन, तो बई ट्राइंगल्स टोटली पाण में कॉन्ग्रुएंट थी वेंदा। हाँ हिं रुगो असेंगे ये दिसो है कि इनमें टोटल टे शूँ पा में कॉन्ग्रुएंट आन या कोने, एकड़ी एंगल तो कॉन्ग्रुएंट है, एकड़ी साइड कॉन्ग्रुएंट है। हाँ असि तो लिखना सी कि भाई तुम भले इनके स्टेटमेंट वाले तरीके से कर चाहो तो कर सको था, इतने तुम लिखना स्टेटमेंट, इतने तुम लिखन जो रीजन गिविन असा के छाए के भाई हिकड़ी साइड इन जी गिविन है ए बी बराबर सी बी गिविन है, बो असा के एंगल ए बराबर एंगल सी जे यो भी असा के गिविन है। उन अलावा इन बिन ट्राइंगल्स में तुम दिसा कि ही जेका एंगल है ए बी डी, बो एंगल है ई बी सी, ही ब एंगल्स जेके इनके चेबो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हमेशा पान में कॉन्ग्रुएंट होंदी है। क्लास 8 में यो तां थ्योरम पढ़ियो है कि जने भी तां को भी हिय एक्स टाइप शेप ठाइंदा तो ही जेके आमू सामू वरियो अपोजिट जेके साइड्स ये एंगल्स इंदियों ये बई पान में बराबर होंदियों, इन पास वरियो जेके होंदियों ये पान में बराबर होंदियों। तो ही एंगल ही एंगल इनके तां लिखना कि भाई एंगल ए बी डी इन ट्राइंगल जी या कॉन्ग्रुएंट आए एंगल ई बी सी जे, ई बी सी जे ये तो लिखना कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, सिर्फ एतरो ही लिखी छोड़ जी माना है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स तो होंगी पा में कॉन्ग्रुएंट है। तुम दसो एक बे ब एंगल्स एकड़ी साइड जैसे इन पा में कॉन्ग्रुएंट अची वही है, तो लिखा कि भाई टू एंगल्स एंड वन साइड आर कॉन्ग्रुएंट, ए ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी बी ई। अगे रीजन तुम लिखी छोड़ के एंगल एंगल साइड थ्योरम, एंगल एंगल साइड थ्योरम जो मतलब ही यो है कि जद कें ट्राइंगल में तक ब एंगल्स एकड़ी साइड तक जैसे बराबर मिली वन तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट थी वा। अगर तुम रीजन यो ही जाना छदी एक्सरसाइज 9.1 जो क्वेश्चन नंबर 2 है यो के फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन बायसेक्टर ऑफ एन एंगल, हाई तस्वीर तुम अगर है फिगर तुम अगर ये मौजूद है कि एकड़ी एंगल है क्यू ओ आर, हेड़ी एंगल है जी कंप्लीट। हाँ इन जी एंगल है या क्यू ओ आर यकी जी ठही पी है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लाइन बायसेक्टर, लाइन बायसेक्टर मतलब ही जी लाइन है ये छाए या बायसेक्ट पी करे, बायसेक्ट मतलब इन हिस्सन मंज बराबर हिस्सन मंज
डिवाइड भी करे कैसे ऑफ एन एंगल इन एंगल के ही जगह लाइन है या बाइसेक्ट भी करे दिस लाइन इज ओपी जगह लाइन है या बाइसेक्टर आहे केंजी इन एंगल जी इन एंगल के बराबर हिस्सन मज डिवाइड भी करे तो ही जगह ब एंगल्स थिंदियो ये बई पान में छा थिंदियो बराबर थिंदियो एंगल क्यू ओ पी पी ओ आर ये बई एंगल्स पान में बराबर थिंदियो इतने मुँह लिखो भी है गिवन में कि ओपी जेका है वह छापी करे बाइसेक्ट भी करे कैखे एंगल क्यू ओ आर के बाइसेक्ट भी करे इन एंगल क्यू ओ पी एंड पी ओ आर इन बिन एंगल में बाइसेक्ट भी करे तो ही बई एंगल साढ़े पान में छा थी वेंदियो बराबर थी वेंदियो कॉन्ग्रुएंट थी वेंदियो परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन किथा खां फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन यानी उन लाइन ते एकड़ी पॉइंट आ है इन लाइन ते एकड़ी पॉइंट है पी उता खां फ्रॉम मतलब उन पॉइंट खां छा तो ठायो वने परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन ब परपेंडिकुलर्स ठाया वन ता टू आर्म्स ऑफ द एंगल वो जगह एंगल आ है असा जी ये मुकम्मल जगह एंगल है क्यू ओ आर इन एंगल्स जो जगह आर्म्स हैं रेज जगह ओ क्यू है बी ओ आर है इन ते छाता ठाया वन परपेंडिकुलर तो ठाया वन एक ही परपेंडिकुलर थी 90 एंगल थी वही ही परपेंडिकुलर थी इतने भी 90 एंगल थी अगर इतने 90 एंगल चाहिए तो इन पास भी छा थी 90 जो टोटल 180 होंगी है या तो ही भी कहती थी 90 जी एंगल थी होंगी हाँ प्रूफ यो करना है कि दीज परपेंडिकुलर्स आर कॉन्ग्रुएंट मतलब ही जगह परपेंडिकुलर ठाया है क्यू पी पी आर या पी क्यू पी आर ये बई जगह से पान में कॉन्ग्रुएंट थींदा बराबर थींदा यो असांजे प्रूफ करना है टू प्रूव दैट पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर असा स्टेटमेंट रीजन और तरीको इस्तेमाल करासी तमाम आसान है कि भाई तां पहिरीं ही ब ट्रायंगल्स जेके आहिनि ॾिसी वठो ब ट्रायंगल्स ठही विया आहिनि हिकिड़ो ट्रायंगल ओ पी क्यू ॿियो ट्रायंगल ओ पी आर इन्हनि ॿिनि ट्रायंगल्स जे विच में मूं निशानी लॻाई आहे करेस्पोंडेंस जी क्या हुनखे चेक थो करियां कि आया इहे ट्रायंगल करेस्पोंडेंस खां पोइ कॉन्ग्रुएंट बि आहिनि या कोन्हे त असांखे सभ खां पहिरीं हिन मंझि ख़बर आहे कि भाई हिकिड़ी एंगल जेका हिन जी क्यू ओ आर आहे क्यू ओ पी इहा एंगल जेका आहे असां कॉन्ग्रुएंट आहे एंगल पी ओ आर जी इहो असां छा कयो आहे की भई इहा एंगल जेका आहे असां वॾी एंगल जेका क्यू ओ आर आहे इज बाइसेक्टेड इन दीज टू एंगल्स इन ॿिनि एंगल्स में इहा एंगल बाइसेक्ट ठही आहे त इहा हिकिड़ी पॉइंट इहा अची वई ॿियो इहो कि ही जेका एंगल हिननि जी ॿिनि ट्राइंगल्स जी आहे ही वरी ऐं ही वरी हिकिड़ी एंगल जो नालो आहे ओ क्यू पी ओ क्यू पी मतिलब कि जेका एंगल आहे उनजो नालो विच में तव्हां रखो ऐं हिकिड़े पासे खां ओ ॿिए पासे खां पी या ईअं चओ कि पी क्यू ओ या चओ कि ओ क्यू पी त इहा ही एंगल थी वई इहा कॉन्ग्रुएंट छा जी अची वई आहे 90 जी छो हू बि 90 एंगल आहे हू बि 90 जी एंगल आहे परपेंडिकुलर ठाहियो आहे त परपेंडिकुलर 90 ते ठहंदो आहे त ही एंगल बि जेका आहे असां पी आर ओ एंगल पी आर ओ अॻियां तव्हां लिखी छॾियोसि कि भई हू परपेंडिकुलर आहे परपेंडिकुलर आहे ऐं अॻियां लिखी छॾियोसि की भई 90 डिग्री जी एंगल आहे तंहिंजे करे हू ॿई बराबरि आहे टियों हिननि में अञा हिकिड़ी शइ कामन आहे साॻी आहे उहा आहे इहा ओपी साइड ओपी साइड जेका आहे उहा हिन ट्राइंगल जो बि हिसो आहे ओपी साइड हिन ट्राइंगल जो बि हिसो आहे त ओपी हिकिड़े ट्राइंगल जी उहा बराबरि आहे ॿिए ट्राइंगल में बि हुनजो नालो ओपी आहे ॿई पाण में बराबरि तव्हां अॻियां लिखी छॾियो कामन साइड ॿिन्ही जी उहा कामन साइड आहे ॿ एंगल्स हिकिड़ी साइड अची विया पाण में कॉन्ग्रुएंट ॿिन्ही ट्राइंगल्स जा जॾहिं कंहिं बि ॿिनि ट्राइंगल्स मंझि ॿ साइड सॉरी ॿ एंगल्स ऐं हिकिड़ी साइड यानी एंगल एंगल साइड
थ्योरम रीजन आऊं लिखा पे इन पासे छ जदा आऊं लिखा तो के ट्रायंगल जेके है ना वे ओपीक्यू वो हाने कॉन्ग्रुएंट थी वे है छाजे ट्रायंगल ओपी आर जे ये भाई ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है रीजन मो क्या करो लिखियो है एंगल एंगल साइड थ्योरम जे हवाले सा और जदे ब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थी वेंदा तो पोन जो करेस्पोंडिंग साइड करेस्पोंडेंस एंगल वे भी पान में बराबर अची वेंदी मतलब हाने इन जी ही एंगल भी बराबर थी वेंदा ही साइड बराबर थी वेंदा ही साइड बराबर थी वेंदा तमा सिर्फ एतरो लिखो के क्यू पी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर जेको ताके रिक्वायर्ड है जेको ताके पुछे पियो के ही परपेंडिकुलर्स पान में कॉन्ग्रुएंट है तो तमा वो लिखी छियो कान के रीजन लिखो के ड्यू टू कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 9.1 क्लास 9 जे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के चैप्टर में जा क्वेश्चन 4 के ही ब ट्राइंगल्स जे केन ये छाइन पान में कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल पी क्यू आर पी आर क्यू या पी क्यू आर जो तक नालो दियो ये ब ट्राइंगल्स उन बुधा छो कि पा वट ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं ट्राइंगल्स मंज ही साइड ते ब निशान इन साइड ते भी ब निशान तो मतलब ही साइड जेका है सा इन साइड जे कॉन्ग्रुएंट है यानी साइड डी ई या बराबर है क्यू पी साइड जे तो डी ई साइड जी वैल्यू है 6x+1 या बराबर है 10x-19 इन साइड जे इता तवा एक्स जी वैल्यू फाइंड कंदा 10x 6x इन पासे अची वेंदो माइनस टू 19 इन पासे अची वेंदो प्लस टू 19 20 बराबर 10x मां 6x वेंदा बाकी 4x 4 इन पासे अची छा थींदो डिवाइड त तव्हांखे एक्स जी वैल्यू मिली वेंदी 5 उन खां अलावा हिन ते टे लिखो आहिनि हिन ते बि टे लिखो आहिनि त हीअ ॿ साइड बि पाण में छा आहिनि बराबरि ई आहिनि त ई एफ बराबरि आहे आर क्यू जे कॉन्ग्रुएंट बराबरि आहे त ई एफ जी वैल्यू आहे 8 ऐं आर क्यू जी वैल्यू आहे 5y-7 माइनस जो 7 हिन पासे ईंदो प्लस जो 7 थींदो 8 7 15 बराबरि 5y ऐं वाय जी वैल्यू थी वेंदी 15/5 3 सेंटीमीटर सिर्फ करणो इहो आहे कि हू तव्हांखे ॿुधाए पियो कि भई ॿई ट्राइंगल्स जेके आहिनि उहे कॉन्ग्रुएंट आहिनि ॿ ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आहिनि हिन जूं ही साइड ॿिनि लीकनि वारी हिन ॿिनि लीकनि वारी जे बराबरि आहे त तव्हां हिननि खे बराबरि रखो ऐं हिननि खे बराबरि रखो त तव्हांखे एक्स ऐं वाय जी वैल्यूस मिली वेंदी